रामपुर में बड़ा सड़क हादसा, 3 की मौत, 60 घायल, रोडवेज और प्राइवेट बस की आमने सामने से हुई भिड़ंत। मिल्क हाईवे पर हुआ हादसा, यात्रियों में मची चीख पुकार, दोनों बसों के उड़े परखच्चे, बसों में थे 100 से ज्यादा यात्री। आपको बता दें एक बार फिर, रामपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है जहां 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रोडवेज और प्राइवेट बस की आमने सामने भिड़ंत हो गई, वहीं यात्रियों में चीख पुकार मच गई। आपको यह भी बता दें कि दोनों बसों के परखच्चे उड़ गए हैं, वहीं बसों में 100 से ज्यादा यात्री सवार थे। 5 बच्चों की हालत गंभीर है, वहीं आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। अधिक जानकारी के लिए जुड़ेंगे संवाददाता सत्यवीर के साथ। जी सत्यवीर, क्या है पूरा मामला, कहीं ओवर स्पीडिंग का मामला तो नहीं? जी, रामपुर में मिलक हाईवे निकट पड़ता है, जहाँ पे वन रूट होने के कारण आमने सामने से दो बसें जो जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें की लगभग 3 लोग मौके पर घायल हो गए थे और जिसमें लगभग 50 से 60 के बीच घायल हो गए। तो इस समय देखा जा रहा है, यहाँ पे लगभग मामला सुबह का 4 बजे का बताया जा रहा है, जहाँ पे लखनऊ से एक बस जो है वो दिल्ली के लिए जा रही थी और दूसरी बस जो है हरिद्वार से सराबच्ची के लिए जा रही थी, जिसमें कि सुबह के टाइम पे जो यात्री थे वो नींद ले रहे थे और अचानक जैसे ही झटका लगा, देखा तो सामने बस में जो है टक्कर लग गई, जिसमें कुछ लोग काफी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 5 बच्चे जो है जिनको गंभीर रूप से घायल अस्पताल रेफर कर दिया गया है। और अभी मौके पर जो है कि स्थिति अगर देखी जाए तो मिलक PSC में कुछ घायलों का उपचार किया जा रहा है, बाकी जो ज्यादातर जनसंख्या थी उनको जो है जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं मौके पर आकर आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे, जिन्होंने व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए तेज गति से जो घायल लोग थे उनको जो है अस्पताल पहुंचाया। जी सत्यवीर, इस पूरी घटना में, इस पूरे हादसे में किसकी गलती पाई गई है? एक गलती जो है जो बैठे यात्रियों द्वारा भी बताया जा रहा है कि जो है जो बसें चालक जो थे वो तेजी के साथ बसें चल रही थी, जिसके कारण यह हादसा माना जाता है। जी क्या इसमें प्राइवेट में बैठे एक यात्री ने बताया है कि प्राइवेट बस के लिए एक कंडक्टर चला रहा था, जो कि ड्राइवर हरिद्वार से लेके आ रहा था, तो रास्ते में जो है उसे चेंज किया गया। जी अब पुलिस से आपकी बात हो पाई है, पुलिस का इस पर क्या कुछ कहना है? पुलिस का कहना है कि अभी जो पहला सोमवार था, जिसमें जो है वो हरिद्वार के लिए जो वगैरह भक्त लोग जो जा रहे थे, जिसकी वजह से डायवर्जन किया गया था, जिसके चलते सुबह के जो है दोनों बसें आमने सामने से जा रही थी, जिसमें टक्कर हो गई। और मौके पहुंचे जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने उसको जो है बताया है कि इसकी वजह से जो हादसा हुआ है तो उसकी जो है जांच की जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक बार फिर बता दें, रामपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है जहां 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रोडवेज और प्राइवेट बस की आमने सामने भिड़ंत हो गई थी, वहीं यात्रियों में चीख पुकार मच गई।